हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ। होप यू लाइक इट। आइए पहले हम चेक करते हैं टाइम क्या हो रहा है। ये सुबह के ऑलमोस्ट ये 4:35 हो रहे हैं। और मैं बताती हूँ सबसे पहले सुबह उठते क्या करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लेंगे अपने किचन से एक ग्लास। ग्लास में हम भरेंगे पानी। तो ये पानी हमने ले लिया है। हम करेंगे गरम। क्योंकि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले गरम पानी ले लूँ। लाइक तो पानी गरम हो रहा है। तो हमारा पानी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। देखिए बताती हूँ मैं आपको कितना अंधेरा हो रहा है बाहर। अच्छा थोड़ा थोड़ा उस दिए देखिए क्या मस्त हल्का हल्का अभी उजाला होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ कि हमने कौन सी लाइट लगाई है। ये देखिए, ये हमारी गार्डन में ये लाइट है ना, सोलर सिस्टम वाली लाइट चल रही है। और आप सुन रहे हो चिड़िया की आवाज़? बस ये सुनने के लिए उठती हूँ मैं। तो आइए चलिए थोड़ा ठंड है, अंदर चलते हैं। पानी को हमेशा चाय की तरह पीने का, तो ही आपको उसका फायदा होगा बैठ के आराम से। मतलब सुबह उठने के बाद ये नहीं कि बस एक्सरसाइज होगा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करो। फिर मैं 5 o'clock तक स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले अपने आप को जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटा के फिर मैं 5 o'clock योगा स्टार्ट करूँगी। जो भी टाइम है मेरे पास। तो चल बड़ी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को सुबह जल्दी उठने में, समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी कोई इजी चीज़ नहीं थी। लेकिन अभी रूटीन बन गया है तो आँख अपने आप खुल जाती है, कुछ अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। देखिए दोस्तों, 15-20 मिनट के अंदर कितना उजाला हो गया है। और हम लेके चले हैं अपने योगा मैट, क्योंकि इट्स टाइम टू योगा। ओके, हम यहाँ योगा मैट बिछा रहे हैं। ठीक है, हम ये जरा, हम जब भी योगा करते थे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो कर्टेंस को हम ओपन करें और नाइस व्यू ले। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है गार्डन। और अभी हम योगा स्टार्ट। तो देखिए गाइस, अब मैं योगा करूँगी और मैं 5 स्टार्ट करती हूँ, समटाइम 6:30 फिनिश कर देती हूँ, समटाइम 7, डिपेंड्स ऑफ माई स्टेमिना, माई मूड्स। बट जनरली 1.5 hours तो मैं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मॉर्निंग योगा मैं ऐसा मानती हूँ बेस्ट योगा है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो 5:30-6 बजे तो उठ ही सकते, थोड़ा थोड़ी टाइम आप योगा कर सकते हो। 6:30 से ऊपर हो गए हैं एंड आई जस्ट फिनिश माय योगा। सॉरी मैं आपको वीडियो बता नहीं पाई, लेकिन एक वीडियो स्पेशली बनाऊँगी कि मैं योगा जब करती हूँ तो डेफिनेटली बनाऊँगी। तो उसके लिए मुझे कोई पर्टिकुलर बंदा चाहिए और मुझे लगता है मेरे घर में 4:30 कोई भी उठने वाला है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ट्राई करूँगी स्टैंड पे रख के बनाने का, बट सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं ना, सुबह बच्चे सो रहे हैं और सब सो रहे हैं, तो 4:30 बजे एकदम खटर पटर। या तो रात को सब कुछ रेडी कर दूँगी तो मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगी। और अभी हम कुछ खाएँगे, कुछ खाएँगे मतलब नाश्ता नहीं करूँगी मैं, कुछ फ्रूट्स लूँगी। सबसे ईजी है या तो एप्पल खा लो या बनाना खा लो और कुछ नट्स ले लो, क्योंकि आई एम हंग्री नाउ। तो चलो कुछ खाते हैं। ये गाइस देखते हैं कौन कौन उठ गया। तदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन कौन उठा बेटा? चलो लेट्स टॉक विद डैडी। चलो आप पकड़ो, चलो आप पकड़ो, मैं चलती हूँ। आ जाओ, कम विद मी, कम। शूट मी नाउ, लकी शूटिंग मी, गुड बॉय।
I'm shooting my mom. I'm shooting my mom. ये देखिए कौन से रूम में था और कहाँ मिल रहा है या जी ये प्रिटेंड कर रही है सोने दिए ये और अभी हम तो अभी हम ये देखिए कितनी धूप आ रही है और ये ऐसे कौन सोता है बताओ ऐसे कौन सोता है और ये भी ये देखो नाटक कर रहा है ये कोई सो नहीं रहा है ये सब नाटक कर रहे हैं बस चलो मामू लो सब उठ जाओ और इसको देखिए गाइस कम ऑन गेट अप देखो कितना बड़ा सन आ रहा है एंड गिव मी हगी प्लीज हंगरी ओके चलो लेट्स ईट फ्रूट फर्स्ट ओके ओके यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है रसबेरी है बनाना है ऑरेंज है वाटरमेलन है बड़ी वाटर ओके नाउ वी ओपन द बनाना क्योंकि सुबह सुबह गाइस पहले हम लोग वाटर पानी पिए ना बट इसको तोड़ने में टाइम लग जाएगा हमें हम वो चीज खाएंगे जो इजी है Can you give me password banana for me? Thank you. There are six banana. Okay. Hello fam. We could have a banana. Thank you, sweetheart. Thank you. Now, chalo eat bananas. Eat your bananas. We're eating banana together. तो बनाना लकी का फेवरेट फूड है ये फेवरेट फ्रूट है इसे आप 50 बनाना खिला दिन में खा ले रही है ये हमारा बनाना किंग है बनाना किंग है या इज राइट बट आई एम बनाना किंग ये हमारा बोट भी बड़ा वाला बंदर है Guys, no fighting. Both are good boys. Come down. मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ. अच्छा, okay, 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 okay. No fighting. तो बच्चे लोग उठ गए. देखते हैं जूसी जी स्टिल क्या कर रहे हैं. अभी उठे या नहीं? नहीं तो नहीं प्यास ली जाएगी. जूसी जी. ओह, ये जूसी जी बच्चों के रूम में है. क्या कर रहे हो आप? अच्छा टाइडी अप कर रहे हैं गुड जॉब ये काम करते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो आप रात दिन सोते हुए ये लो बच्चों के आ अंगड़ाई मेरी हीरोइन ने अंगड़ाई ले लिया पता क्या कमेंट आया है उस पर एक कमेंट आया सरकारी नौकरी हमारी वो वीडियो थी ना वो जिसमें हम क्या था हम लोगों ने रील से वीडियो बनाई है और कुछ खुदा ना दे तो भी उसको माफी है तो अभी वो वीडियो वायरल हो रही है ना तो कमेंट पता कैसे आ रहे हैं कि भाई एक ने कमेंट किया सरकारी नौकरी है भाई उसको कमाल है वो कह रहे लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया है मैंने कहा तुमने मेरे पति को देखा नहीं है इतना स्मार्ट हैंडसम है ऐसा बोल रहे हैं बताओ वो फिल्टर मतलब वो लंगूर या अंगूर है नहीं 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 आपको लंगूर बोला जा रहा है अब यार कौन केयर करता है वो तो उनको क्या बताएं हम वो कुछ नए कोई नई जगह हुई ना वायरल हुई हुई नए लोगों के पास तो उन्हें हमारी हिस्ट्री नहीं पता होगी तो कह रहे सरकारी नौकरी का कमाल है ये मतलब जब आदमी की सरकारी नौकरी होती है ना तो उसको अच्छी सुंदर सुशील भी मिलती है ऐसा बोल रहे हो लोग खैर कोई फर्क नहीं पड़ता आप काम करते रहिए दिल पे ना लीजिए बातें ये आपका धर्म है तो जोशी जी सुबह उठ के उठने के बाद सबसे पहले ये बच्चों का अपना रूम टाइड अप करते हैं ये इनका जॉब है और उसके बाद जोशी जी अभी बाद में नहा धो के नाश्ते बनाने मेरी हेल्प करेंगे
तो जोशी जी अब चेक कर रहे हैं हर कमरे आके सब कुछ ठीक ठाक है। जोशी जी याशी का ओहो ये तो अभी देखो अभी ये बाकी रहेगा, ये भी करिए जरा प्लीज, बताइए जरा जनता को आप कितना काम करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ सब दर्शकों को इनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, घर की नौकरी है। घर का ना उसको खुला रहा तो अच्छी अच्छी दोपहरी है। गुड देखो कितना शाइनिंग हो रहा है, चमक रही हो आप। अपना रूम दिखाए जरा आप दर्शकों को कैसा किया आपने। देखिए जोशी जी ने एकदम घर को एकदम ही टाइट अप कर दिया है, सिर्फ बिस्तर है, बाकी झाड़ू पोछा तो मुझे लगाना पड़ेगा, वो सिखा दो। हाँ थैंक यू सो मच, आप करेंगे तो हमको बहुत ही मजा आएगा, हमारा दिल खिल जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न। तो चलिए चलते हैं डाउन स्टेयर, अपना का काम संभालेंगे, मोर्चा लेंगे जोशी जी। जोशी जी पहुंच गए हैं नीचे। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग गाइस? Maybe they give the crops. They give me not too much. Okay, you can push. They get the big wave. Lucky school time. Cookie school time. Let's go. ये आपका ये लो फॉरेस्ट ठीक है। हाँ ये वाला फॉरेस्ट का है तेरा, और ये वाला हेलन को दे देना। ओके बेटा हेलन को। ओके चल लेट्स गो इन द कार, कम ऑन। व्हाई वो है आज तुम्हारा फॉरेस्ट का तो हेलन का यहीं पर लग गया है। ओके लेट्स गो, क्विक मैन लेट्स गो। ये आई विल बी टोल्ड। चल बेटा नोबडी खराब है जी। देख गाड़ी गाड़ी चला रहे हो बेटा, केयरफुल। ये गाड़ी बैठ जा इधर उस साइड। हाँ गाड़ी गाड़ी निकाल रहे। हाँ चलो बैठ जाओ फटाफट चलो। ओके स्कूटी टाइम टुडे चलो। ये बॉटल यहाँ रखो जी, थैंक यू। चल फटाफट फिनिश कर अपना वन राउंड और कम बैक। क्विक सीट बेल्ट को, सीट बेल्ट प्लीज, सीट बेल्ट। ये चला जा, कम ऑन। ठीक है हम जा रहे हैं डैडी, बाय बाय। हाँ इस फिनिश चल चल ना बेटा चल चलो लेट्स गो बाय भागो बाय बाय। तो फाइनली ये गेट बंद और अभी हम आ जाते हैं 6 घंटे के लिए। तो हम ऐश करेंगे, ये झूले बैठेंगे आराम से, झिझकोले खाएंगे, पर पहले हमारा जो नाश्ता जो अधूरा रह गया था ना हम वो पहले करेंगे। ठीक है तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। बहुत ही कोल्ड है, भागो 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 गाइस। तो देखिए मैं जोशी जी को ऑफिस छोड़ने जा रही हूँ और जोशी जी अपना जैकेट लेने गए हैं, अभी लेके आ रहे हैं। दरवाजे से अभी निकलते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ से। ओह माय गॉड कितना सा काम देती है, वो भी स्ट्रेच कर करके लंबा कर देती है। एनीवे तो हम छोड़ेंगे जोशी जी का ऑफिस और उसके बाद मैं जाऊंगी सुपरमार्केट शॉपिंग करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ। जितना मैं वीडियो बना सकती हूँ सुपरमार्केट में उतना आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सम टाइम अलाउ नहीं होता है, तो जितना मैं बना सकूँ उतना ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है गाइस तो देखिए जी जोशी जी पधार रहे हैं, आ गए आप। तो मैं आपको ड्रॉप कर रही हूँ ऑफिस आज, तो ये एहसान है आपका मेरे ऊपर, नहीं मेरा आपके ऊपर। ये चाबी कहाँ है?
यहीं पे आ जाएगी चाबी। अब आप कैमरा होल्ड करें। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। गाड़ी सही पार्क कर ली, अब हम देखते हैं बाहर जाके। ओके आई थिंक सो। तो गाड़ी एकदम परफेक्ट पार्क हो गई है बिकॉज आवर परफेक्ट ड्राइवर, बट स्टिल आई एम लर्निंग। तो गाइस ये देखिए, ये आजदा है जहाँ हम शॉपिंग करते हैं, और भी बहुत सारे मॉल हैं लेकिन ये सबसे घर के पास पड़ता है, तो जनरली हम यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। अंदर मैं ले जा नहीं पाऊंगी आपको क्योंकि इट्स नॉट अलाउड, कैमरा इज नॉट अलाउड। हाँ, शॉपिंग क्या चाहिए वो जरूर बताऊंगी आपके। ओके मिलते हैं। मैंने तो बहुत छोटी शॉपिंग की है, बहुत ही थोड़ी सी ब्रेड व्रेड है और ये पीनट वा कुछ ज्यादा नहीं है। अभी दूध शॉप पे जा रहे हैं हम लोग, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी दूध शॉप पे जा रहे हैं। लेट्स सी वहाँ क्या मिलता है हमें। हम बस घूमते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है शॉपिंग करें, जस्ट चिल करें। ठीक है चलो लेट्स गो। तो गाड़ी से मास्क निकाल दूँ क्योंकि अभी हम सेफ है, और अभी चलो हम गाड़ी पार्किंग से निकालते हैं, सीट बेल्ट बांध दी है। लेट्स सी नजर आगे। तो बाय गाइस, बाय आजदा, अब हम जा रहे हैं यहाँ के लोग बहुत संस्कारी है, सब बड़े खुश रहते हैं क्योंकि बात तो कर नहीं पाते ना ऐसे, तो बस इशारों इशारों में बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, अभी हम मेन रोड पे आ रहे हैं, नहीं करते रहे यहाँ पे जिंदगी भर, है ना, इतना भी हमें संस्कारी नहीं करना है। तो गाइस देखिए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या वो किसने जाना। ठीक है, हमें सही जगह मिल गया है। अब देखिए हमारे राइट सिग्नल के साथ गाड़ी जा रही है, जा रही है, जा रही है, और हम ये देखिए घूम रहे हैं। अब हमारा जो अगले वाला डोर था इसके बाद वाला हमने मेरे चेक किया, अब लेफ्ट का सिग्नल दिया और अब आगे अपने मोड़ पे लेफ्ट लेना पड़ेगा कि लेफ्ट पे हमारी मंजिल है। तो अपनी गाड़ी को लेफ्ट, ये देखिए हमारे लेफ्ट लेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा पार्किंग करने की तरह गाड़ी होती है और हमें लेना है दोबारा लेफ्ट क्योंकि हम आ गए हैं ये मॉल की तरफ। चलिए चलो अब हम करेंगे पार्किंग, हमें ढूंढनी पड़ेगी पार्किंग कहाँ पे हमारे लिए खुली पार्किंग। ढूंढे आई थिंक यहाँ पे ठीक रहेगा, यहीं से मुझे ना, हाँ यहीं से मिल जाती है, क्योंकि संस्कारी तो यहीं से ढूंढना पड़ेगा। ओके धीरे धीरे ढूंढना पड़ेगा बिना किसी को ठोकते हुए। तो देखिए गाइज ये हमारी मंजिल है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, B&M स्टोर है। तो अंदर कैमरा नहीं ले आएंगे क्योंकि अगर किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी तो हम सह नहीं पाएंगे, फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी, फिर हमारी वीडियो खराब हो जाएगी। तो बेटर है संस्कारी लोगों को संस्कार वाले काम करना चाहिए। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर से, ये हम जा रहे हैं, हम यहाँ से फटाफट शॉपिंग करके आते हैं। तो गाइज देखिए हम लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के निकल गए हैं, इस तरफ पीछे की तरफ देखिए पेट्रोल पंप है। हम बहुत ही, हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है, नॉट ट्रेजेडी इट्स जस्ट अ कॉमेडी। हम लोग पेट्रोल भर रहे थे, मुझे पता हम लोगों को पता ही नहीं कि ढक्कन कैसे ओपन हुआ, इतना बड़ा ढक्कन हम लोग। तो फिर हमें किसी पैसेंजर ने हेल्प करी और उसने बताया कि भाई लॉक चाबी लगाओ फिर वो ओपन हो जाएगा, फिर हमने पेट्रोल भरा। देखो कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में, हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं हम जैसे दुखियारी लोगों को। तो गाइस देखिए घर की तरफ पूछ कर रहे हैं, वही सेम रास्ता है जहाँ से हम आए थे, वही वापस वहीं से जा रहे हैं, पहले रास्ते नहीं है। वाओ सी गाइस, यहाँ से हमें आपको ठंडक आ गई, देखिए देखिए यहाँ देखिए साथ में समंदर दिख रहा है आपको, ये समंदर हमारे पूर्वज ने बनाया था, मैं नहीं बनाऊंगा। तो देखिए अभी खाली ब्रेक पे पैर रखे हुए हैं क्योंकि हमें बिल्कुल टैक्स
कर रही हूँ, तब तक आप ये नज़ारा देखिए, लोग यहाँ पे अपनी बोट को लेकर बैठे हुए हैं। वाओ, दैट्स नाइस, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और हम लोग अपने घर की तरफ कूच करें, लेकिन हम इसलिए आपको ले जाए कि आप ये देखिए पूरा अच्छा वेदर देख के इंजॉय करें, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे, मेरे भाई बहन मुझे बोलते हैं हमेशा कि दीदी प्लीज़ बाहर क्या हो रहा है करके ये वो, तो सब दिखाए, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दें। तो जिस कंट्री में रहते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, लंदन हमने छोड़ दिया, लंदन भी ब्यूटीफुल है लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, तो हमने बोला चलो सी साइड चलते हैं, कंट्री साइड चलते हैं, यहाँ बेटर लाइफ भी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी लोग अच्छे थे नो डाउट, लेकिन टाइम नहीं था किसी के पास यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट देखो यहाँ पे देखिए पब, देखिए यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं। हाँ बस ये तो मजा लीजिए, हमारे घर के पास का ही है, क्योंकि मैंने ड्राइविंग स्टार्ट करी तो मैंने कहा चलो अपनी साथ को देखो, पति को बनाओ, उसको छुट्टी कराओ, तो इससे बेटर है कि फ्रेंड के साथ जाओ, है ना। तो देखिए गाइस होम स्वीट होम हम पहुंच गए हैं, सामान लेके अपना, ये देखिए, और हमारा ये कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया हमने, ब्रेड ब्रेड ही लिया है, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ सामान नहीं लिया है, बस ऐसे ही घूमने गए थे, मज़ा आता है, घर पे भी क्या करना है ना, तो हम घूम लेते हैं। वैसे हमारा घर का सारा काम देखो फैला हुआ है, झाड़ू तक नहीं लगाया हमने, पर हमें कोई परवाह नहीं है, लगा लेंगे क्या हो गया, है ना।